हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल सुहानी विद मॉमीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए गई थी, अभी जस्ट पहुंची हूँ। और सुहानी क्या क्या लेके जाएगी वो तो आपको लास्ट वीडियो में बोल दी थी। अभी उसको पूरा रेडी करके तैयार करके देना है और सुबह जल्दी उठ के बर्तन धो दी, क्योंकि पानी का अभी तो तंगी चलेगा अभी इस महीने, इसलिए मैं जल्दी अभी बोर का पानी आ रहा था तो भर ली हूँ। मतलब जितना भरना है ड्रम में भर चुकी हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए पूरा भर चुकी हूँ, बाद में नहीं तो पूरा पानी का टेंशन रहेगा तो रहेगा। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुहानी की मम्मी देखिए बहुत बिजी है, इसलिए मुझे दे दी ब्लॉग बनाने के लिए। देखिए ना कितना कितना काम कर रही है, मेरे साथ बात करने के लिए भी टाइम नहीं है मैडम को। एक नंबर की झूठे, चाय तो दूर की बात है, चाय तो बहुत दूर की बात है। एक नंबर की झूठे, अभी जस्ट हम लोग पहुंचे, कितना बड़ी बड़ी बात करे, इतना काम करे अभी करूंगी। तो क्या कर रही है? वही बोल रहा हूँ ना मैं, सुहानी का स्कूल का कुछ उसका समर कैंप चल रहा है, तो समर कैंप के लिए कुछ चीज़ें जरूरत है, तो उसके लिए अब तैयारी चल रहा है। ये देखो सुहानी देखो डांस कर रही है आपको। सुहानी थोड़ा सा धुंधला हो गया था ये कैमरा, अब पोछते नहीं हो गया सुहानी की मम्मी कैमरा? देखो अब कितना साफ दिख रहा, देखो सुहानी अभी देखिए तैयारी हो गई अब स्कूल जाने के लिए। इसके बाद वो समर कैंप है, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज है, तो आज है मास्टर शेफ कुकिंग, जो कि बिना आग के बना जाएगा। और वो फायरलेस कुकिंग 8th 9th 10th के लिए था, मुझे छोटे बच्चों का नहीं पता, तो मैं 8th में हूं, तो मेरा भी है और मैं भी इंटरेस्टेड हूं, तो इसलिए टीचर ने बोला था कि एक शेफ एट चेयर शेफ एट ऐसे मिलता नहीं है एक्चुअली इजीली, तो पेपर क्राफ्ट से बनाने के लिए पड़ा था, फिर मेरे पास है ये वाला टॉय आया था। अच्छा, और ये एप्रोन, ये पहन लोगे? और ये एप्रोन हम कल ही हम लाए थे डिमांड से, और ये इसका काम आ गया। देखो ये अब जाएगी, सुहानी बोल रही है देखो किसी के पास नहीं होगा, मेरे पास हैट है और ये एकदम रक्कूक दिख रही है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुहानी मम्मी ना बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहती है, देखो मुझे मुझे मिक्सचर करना है, ये करना है। बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ, पनीर का ग्रेटर देना मुझे इसको। पनीर का क्यूब्स अभी सुहानी लेके जाएगी, और एक्स्ट्रा जो पनीर है ना फ्रेंड्स, आपको एक टिप्स देती हूँ, एक्स्ट्रा पनीर आपका बच गया, घर का रहने दीजिए, बाहर का रहने दीजिए, इसे पानी में डाल के रखिए तो ज्यादा दिन रहेगा, एक दो हफ्ता पूरा आराम से पनीर मतलब खराब नहीं होगा। लेकिन डेली आप ये पानी निकालना, मतलब आज ये पानी भर के इसमें डुबो के रखी हूँ फ्रिज में, तो कल ये पानी डेली ये पानी मामा स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी काम करो, जल्दी। बहुत टिप दे दिए अभी, देखे चलिए देखते हैं साई क्या कर रहे हैं। साई इस टाइम चल वो स्कूल का टाइम है, लेकिन अभी उसका अभी छुट्टी लग गया है, हुआ नहीं खाली स्कूल जा रही है क्योंकि उसका एक्स्ट्रा क्लासेस है, मतलब यानी कि समर क्लास समर कैंप है। और आज पता मैं क्या लेने वाली हूँ? क्या? मैं कल जाके नीचे से ये लेके आई थी, माजा। माजा? हाँ लेके आई थी, और डेयर मिल्क भी लेके आई थी, जो मैं आपको एक भी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, मुझे मुझे एक पीस दे रहा। नहीं वो मैं अभी तक खाऊंगी नहीं, आपको कैसे दूं? तो फ्रेंड अभी देखिए ये थोड़ा सा बाहर का नजारा देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये पौधे हैं, ग्रीनरी पौधे हैं, सब सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठते हैं, और आज अगर हो सके तो फ्रेंड ये जो आउटडोर यूनिट है ना इसको हम क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड ये सुहानी का जो स्कूल में जो इंग्रेडिएंट जो लेके जाएगा खाना बनाने के लिए, और ये ब्रेड क्योंकि मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, और ये सब हमको चाहिए। मैंने एक्चुअली उसका ब्राइटनेस कम करो ना, दिखता नहीं कुछ भी। नॉट फैट, तो इधर मैंने रखा है चिली फ्लेक्स, देखो मम्मी इतना मॉर्निंग बनाई, थैंक यू मम्मी। और ये पनीर और ये ब्रेड, और मुझे चाहिए मम्मी टमाटो और ओनियन चाहिए, फिर ग्रीन चटनी चाहिए, फिर टमाटो केचप सॉल्ट चाट मसाला सेव। देखिए इतने सारे काम कर करके मम्मी थक चुकी है। फ्रेंड सुहानी की मम्मी तो काम में लग गई, अभी मेरे से बात करने के लिए भी कोई नहीं है। चलो थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं टीवी देख लेता हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same. Friends, good afternoon. और मेरा अभी काम सब हो चुका है, आज जल्दी जल्दी सब झाड़ू पोछा पूजा सब काम हो चुका है। अभी खाली लंच के लिए खाना बनाने वाली हूँ, लेकिन खाना बनाने के बाद बाहर भी जाना है। सुहानी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी घर को, फिर वो आने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ काम है मीन्स लास्ट टाइम में आप वीडियो में दिखाई थी डीमार्ट गए थे, तो डीमार्ट में और एक चीज़ मेरा काम है, ज़रूरी काम है, वो आने के बाद आप लोगों को बताऊँगी क्या ज़रूरी काम है, तो वो तो कंपलसरी जाना है, और हो सके तो बैंक भी जाना है और मंदिर भी जाना है, तो ये तीनों काम करके आना है। और अभी ना फ्रेंड्स बनाने वाली हूँ हमारा ओडिशा का फेमस डिश,
दही वड़ा आलू दम लंच में आज बनाने वाली हूँ। और सुहानी मुझे बोल के गई थी मम्मा आज राइस मत बनाओ, बहुत दिन हो गया आप राइस राइस बनाते रहते हो, राइस मत बनाओ आज दही वड़ा आलू दम बनाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले से ही भिगो के पेस्ट करके रख दी थी, रात को ही रख दी थी। मैं सोची थी भी कल परसों या बनाऊंगी नाश्ते पे, तो सुबह ने मना करी मम्मी नाश्ते मत बनाओ लंच में बनाओ। तो इसे 2-3 घंटा भिगो के रखी थी, उसको पेस्ट करने के बाद भी 2-3 घंटा बाहर रख दी थी, तो फिर रात को फ्रीज में रख दी थी। और देखिए नमक डाल के मिक्स कर चुकी हूँ, अभी तलेंगे और आलू दम बनाऊंगी। देखिए आलू यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कट करके रखी हूँ, और जो जो सामान है आलू दम के, प्याज धनिया पत्ता ये सब चॉप करके रखी हूँ। और पेस्ट बनाई हूँ, इस पर मैं पेस्ट बनाई हूँ अदरक लहसुन टमाटर और थोड़ा काजू डाल के यहाँ पर पेस्ट बनाई। चलो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अभी गर्म हो चुका है थोड़ा, ये देखिए ये ना उस दिन पानी थोड़ा गिर गया था, तो अभी इसे खुला रखी तो चट 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 होके पानी उछल रहा था तेल के साथ, तो यहाँ पे इसे ढक दी थी, तो अभी बंद भी हो चुका है साउंड हमारा, पानी भी अभी नहीं निकल रहा है। तो चलो अभी वड़ा फ्राई करेंगे, फिर आलू दम में बनाऊंगी, ठीक है। चलो पहले अभी फ्राई कर लेती हूँ। मैं वीडियो चेक कर रही थी तो एक चीज़ बोलना भूल गई हूँ, ये उड़द दाल से बनाई हूँ पेस्ट, और ये वड़ा है उड़द दाल का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा वड़ा हो चुका है, इसको अभी निकाल देंगे, पानी में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारा वड़ा रेडी हो चुका है, जो पहले मैं फ्राई करके डाली थी पानी में उसको निचोड़ के मैं यहाँ पे रखी हूँ देखिए। और बाकी का अभी जो फ्राई करी हूँ अभी भीगने के लिए डाली हूँ, थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद वो भी निकाल दूंगी। ज़्यादा टाइम पानी में भिगो के मत रखिए, रखने से वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। और बाकी का ये 3-4 पीस ऐसे सूखा वाला रखी हूँ। तो अभी चलिए फ्रेंड्स, अभी आलू दम हम लोग बनाएंगे, और प्रेशर कुकर मैं गर्म करने के लिए बिठा चुकी हूँ, प्रेशर कुकर ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे और ऑयल भी गर्म हो चुका है, अभी डालूंगी प्याज। स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा कड़क फ्राई नहीं करेंगे प्याज को, सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर डालूंगी तेज पत्ता और आलू भी डाल दूंगी प्याज के साथ, आलू भी फ्राई हो जाएगा। आलू को यहाँ पे पानी में डाल के रखी थी, और इसको छान के डाल देंगे। हमारे प्याज के साथ आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी डालेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें अभी डालेंगे जो पेस्ट बना के रखी थी, अदरक लहसुन टमाटर काजू का पेस्ट, अच्छे से मसाला को फ्राई करेंगे। अच्छे से मसाला कुक हो चुका है, अभी डालूंगी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ। अभी हमारा अच्छे से मसाला को कुक हो चुका है, और ये इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा पानी दे देंगे। यहाँ पे सब्जी कुक होने के लिए छोड़ दी हूँ। हाँ क्या हुआ, तैयार हो जाओगी ना जल्दी जल्दी, हो गया है सब काम, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। हाँ सो फ्रेंड देखिए, सुहानी पापा बुला रहे हैं क्योंकि टाइम हो जाएगा, और सुहानी भी आती आ रही होगी, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अभी दही बड़ा आने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो दही में डाल दूंगी तो पूरा ओवर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। आने के बाद दही बड़ा बना के दिखाऊंगी, और आलू दम कैसे बनाए वो भी दिखाऊंगी, और दही बड़ा आलू दम को कैसे सर्व करके खाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। मैं पहले अभी तैयार हो जाती हूँ, फिर जाके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ, और सुहानी यहाँ पे बैठा है, सुहानी गई है नहाने, और सुहानी आने के बाद आप लोग, मैं आने के बाद सुहानी को मिलवाऊंगी, ठीक है। अभी सुहानी के पापा चलो, सुहानी के पापा पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, ठीक। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearranged it to my own domain.
yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping. वो मंदिर आए तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह भी धूप शुरू हो गया आज। नहीं नहीं मंदिर आए तो अच्छा लगता ना। देखो बाबा कहाँ जाएगी डीमार्ट जा रहे Breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. पापा यहाँ पे क्यों खड़े हो? आया है। नहीं क्यों खड़े हो बोलो, क्या क्या नहीं? यहाँ हमें एक राइस का कट्टा चाहिए था, इसलिए यहाँ वेट कर रहे हैं। Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. Hello friend, namaskar, good afternoon. फिर से एक बार हमारा चैनल में स्वागत है। देखिए ये शिवानी की मम्मी क्या कर रही है अभी। अभी हम लोग डिमांड से आए अभी अभी, तो आने के बाद देखिए ये सब राशन सामान ये सब रखने में लगी हुई है। और ये बच्चों का राशन का सामान नहीं रखने के लगी हूँ, अब जो भी थोड़ा सा लाई हूँ उस दिन तो मैं राशन सामान लेके फ्रेंड्स आ गई थी। हाँ देखिए देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो हम गए ना डिमांड, ये सब सुहानी की मम्मी के कारण जाना पड़ा। धूप में जाओ, उस दिन में उस दिन हम धूप खाए थे पूरा भयंकर कड़वी धूप से। बारह देखने गए थे आपके लिए। और एक चीज ना भूल के आ गई, एक जरूरी चीज, मोस्ट इसेंशियल कम्यूनिटी जो है राइस, राइस भूल के आ गई थी मैडम। चेहरा देखो थोड़ा मैडम का, राइस भूल के आ गई। तो क्या करेंगे, क्या करना, फिर से जाना पड़ा मुझे फिर से। सॉरी सॉरी, तो चार बार बोल चुके, जितनी बार चावल खरीदने में। बाकी जो जो चीजें लाए जो कि हमारा घर के आसपास भी मिल जा रहा है, लेकिन ये चावल के लिए मुझे डीमार्ट मॉल जाना पड़ा। और देखिए ये सुहानी अभी क्या क्या खा रही है, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? सुहानी के लिए हम आते टाइम खिचड़ी लेके आए, और हम लोग दही बड़े खाएंगे। हम लोग दही बड़े खा रहे हैं, और ये सुहानी को दही बड़ा पसंद नहीं है, इसलिए सुहानी का मन पसंद खिचड़ी हम लोग लेके आए। और साथ में क्या लाया, दिखाओ दिखाओ, भज्जे, मतलब जो पकौड़ी बोलते ना हमारा। हाँ ये भज्जे ही वो लोग समझ रहे। अच्छा ठीक है, भज्जे, खिचड़ी, भज्जे और वो चटनी। अभी मैं आप लोगों को बता के दिखाऊंगी दही बड़े। हम लोग तो दही बड़े आलू दम खाएंगे, और हमारे लिए लाए समोसा आज लंच के लिए। देखिए समोसा, ठीक है। और चलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग दिखाती हूँ दही बड़े। दही में थोड़ा पानी मिलाई हूँ, मिक्स करी हूँ। उसमें डालूंगी अभी थोड़ा सा सादा सॉल्ट, और उसमें डालूंगी काला नमक। काला नमक भी आजकल सफ़ेद हो चुका है। पहले काला नमक काला आते थे, लेकिन आजकल काला नमक भी सफ़ेद आने लगा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं डालूंगी मिर्ची पाउडर, ठीक है, और भुना हुआ जीरा पाउडर, और डालूंगी थोड़ा चाट मसाला। इधर दिखाओ चाट मसाला, और थोड़ा धनिया पत्ता डाल के सबको एक साथ मिक्स करना है, ठीक है। अभी हमारा मिक्स हो चुका है। अभी हम जो वड़ा को पानी में भिगो के निचोड़ रखे थे, उसको निचोड़ के अलग से निकाले थे, ये वाला अभी डाल देंगे सबको। इसको पानी में ऑलरेडी भिगो के रखे थे क्या? ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी, आप जो एक्स्ट्रा बोल रहे हो, उस टाइम बुलाई तो आए नहीं, अभी पानी में भिगो के। अब क्या करते रहते हो दिन भर? हाँ पता नहीं, देखो सुहानी मेरे साइड में। ये सुहानी आज आइसक्रीम खाने के लिए बोल रही थी, मैं इसको मना किया, डाटा बोल के देखो कितने गुस्सा है। गुस्सा नहीं है, मम्मी पापा के साथ कोई गुस्सा नहीं करते ना मेरा बच्चा। देखो मेरा बच्चा भूख लग रहा था। अच्छी, तो देखिए फ्रेंड्स अभी दही वड़े हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अभी हम लोग देंगे तड़का, ठीक है। और अभी ऑयल भी गर्म हो चुका है, अभी डालेंगे पंचफुटन। पंचफुटन में है जीरा, राई, मेथी, सौंफ और छोट कलौंजी। तो देखिए,
तो अच्छे से जब तड़का मतलब अच्छे से भून जाएगा तब हम डालेंगे कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च। चलो अभी तड़का दे देंगे। अभी हमारा हो चुका है दही बड़े। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा दही बड़े और ये देखिए यहाँ पे आलू दम तैयार है। चलो मैं आप लोगों को हम लोग उड़ीसा में कैसे सर्व करके खाते हैं मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। देखिए अभी डालेंगे वड़े, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे दही, ठीक है, और इसके ऊपर डालेंगे आलू दम, तापरे उसके ऊपर डालेंगे सेव मिक्सचर, धनिया पत्ता, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा दही बड़ा आलू दम रेडी। अभी चलो देंगे सुमानी के पापा को टेस्ट करने के लिए। सुमानी के पापा टेस्ट करके बोलो कैसे बनाए दही बड़ा आलू दम। हम तो खाए नहीं, यम यम यम। कैसे बनाए? सुपर टेस्टी। अच्छा लग रहा है, टेस्ट कराओ। देखो इसका टेस्ट इसको कभी भी नहीं समझ आएगा क्योंकि ये कभी नहीं खाती नहीं दही बड़ा। मैंने खाया था पूरा, मुझे उल्टी हो गया तो मैंने छोड़ दिया खाना। कभी भी ये दोनों टांग खिंचाई होते रहते हैं और दही बड़ा खाना चाहिए हमारे उधर चारों तरफ, हमारे उधर नहीं चारों तरफ दही बड़े को पसंद करते हैं। इसको कैसे पसंद नहीं आता मुझे भी पता नहीं। तो आज फ्रेंड्स हमारा लंच यही है, समोसा खाएंगे उसके पापा थोड़ी देर बाद वो खाएंगे। और सुमन देखिए आधा खिचड़ी खा के यहाँ पे रख के गई है और मैं यहाँ पे आलू को थोड़ा पानी थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा हो गया उसको सूखा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स पहले मैं भूख लग रहा खा लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। डिमांड गई थी सुमन के पापा तो बता दी मैं गलत काम क्या मतलब गलती क्या हो गया था उस दिन, चावल लेके नहीं आए थे वो तो आप लोग बता दिए। और गई थी तो छोटा मोटा थोड़ा चीज़ लाई हूँ मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, लेकिन मैं पहले मेरे लिए सर्व करके निकलती हूँ फिर मैं थोड़ा खा के आप लोगों को बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे लिए सर्व कर चुकी हूँ दही बड़े आलू दम। हाँ क्या हुआ? आइसक्रीम ये अभी लाए देखा मुझे थोड़ा सा। वाओ जैसे से ना आपको टेस्ट कराती हूँ। चलो फ्रेंड्स मैं खा के बोलती हूँ कैसे बनाए, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रहा है। फ्रेंड्स घर पे जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनाए। आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो एक बार जरूर बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वड़ा तो बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स मैं पहले खा लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी खाना हो चुका है और पेट हो चुका है भारी और नींद लग रहा है। फ्रेंड्स धूप इतना कड़क धूप हो रहा था रास्ते पे दोपहर के टाइम, तो बाप रे इतना सर घूम रहा है। और ये देखिए क्या देखूं, सुअर के पापा को देखिए एडिटिंग कर रहे हैं। और क्या हुआ दिखा बेटा, ये देखो ये मैं हूं। आप चारों और बाकी का कौन है? छी छी कौन जानवर है चारों? और ये देखो चलो जाने दो, आपको नहीं दिखाऊंगी बहुत हो गए कंप्लेंट दे दी। और चले फ्रेंड्स आप लोगों को पहले दिखा देती हूं मैं क्या क्या लेके आई हूं। क्या आई हूं? बनाना चिप्स लास्ट टाइम नहीं लेके आई थी और थोड़ा सिंघाड़ा भी लेके आ चुकी हूं, और यिप्पी मैगी ये वाला लेके आई हूँ, और छोटे छोटे टर्किश चावल लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारे येलो वाला लाई हूँ और ब्लू कलर लेके आई हूँ, और चार लेके आई हूँ ऐसा वाला, और भाकरी लेके आई हूँ, और कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई हूँ। फिजलिंग का मैं आप लोगों को दिखाई थी लास्ट वीडियो में, बहुत ही टेस्टी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे चार बोतल लेके आई हूँ ऐसा वाला, और एक स्लाइस लेके आई हूँ मैंगो का ये, और सब बैग में है चारों, और तीन बाकी ये ऐसे चार लेके आई हूँ, इतना ही बस लेके आई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, जो भी लाई थी आप लोगों को दिखा दी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ नोटिफिकेशन ऑन करिए, जैसे हमारा आगे आगे वीडियो आएगा आप लोगों के पास पहुँचेगा आप लोग देख सकोगे। और फिर मुलाकात होगी न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ,
और टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा अभी आराम करूँ, बहुत जोर से नींद लग रहा है। सोनी बाय बाय कर दो, बाय बाय कर रही है। चलो फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी, टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू बाय बाय। सुहन के पापा को दिखाने वाली थी लेकिन सुहन के पापा बनियान नहीं पहने हैं, ऐसे खुला है तो इस तरह नहीं दिखा रही हूँ, तो उनकी तरफ से बाय बाय।